नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। आज का टॉपिक जो है वो हाइपर एसिडिटी का है। बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड में परेशान हैं हाइपर एसिडिटी से, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत गलत हो गया है। आजकल हम लोग फास्ट फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, खास करके वो लोग जो जॉब करते हैं, विदेशों में हैं, या उनकी रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। उन लोगों का जो खाना है वो ज़्यादातर बाहर होता है, और ज़्यादातर वो रेस्टोरेंट का खाते हैं, तला भुना खाते हैं, स्पाइसी खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा खाते हैं। उसकी वजह से उनको हाइपर एसिडिटी की समस्या हो जाती है। ये बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत ज़्यादा लोगों में है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस पर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। और इसका इलाज अगर हो जाता है तो आप लोगों को बहुत बहुत राहत मिलेगी, मतलब बहुत सारे लोगों को राहत मिलेगी इससे, क्योंकि ये कॉमन है। हर घर में आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग जिनको ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक, एसिडिटी ये सब रहता ही है। और बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की वजह से सर में दर्द होता है, तो उसका उपाय भी मैं बताऊंगी। ये मेरी खुद की कहानी भी है, क्योंकि मैं भी बहुत साल से हाइपर एसिडिटी की शिकार थी, और मुझे भी सर में बहुत दर्द होता था। अगर मैं टाइम से खाना ना खाऊँ तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो गैस जो है वो सर में चढ़ती थी और मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। तो मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ कि क्या क्या करने से आपकी जो एसिडिटी है वो हाइपर हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। वैसे तो आप सबको पता ही होगा हाइपर एसिडिटी क्या होता है। आपका जो गैस्ट्रिक जूस है वो पाइप, फूड पाइप में आ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, और उसकी वजह से वो आपके फूड पाइप को भी डैमेज करता है और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है वो। तो इसका जो कॉज है, क्यों होता है ये, ज़्यादातर हाइपर एसिडिटी क्यों होती है, उसको मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, हाइपर एसिडिटी की समस्या ज़्यादातर उन लोगों में होती है जो समय पे खाना नहीं खाते हैं, खाते हैं तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, और टाइम से सोते नहीं हैं, उनका सोने का कोई टाइम वाइम नहीं होता है, या उनके खाने में फाइबर की कमी होती है, या वो ऊटपटान बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि बाहर काम करते हैं तो बाहर का जो फास्ट फूड मिल गया उसको खाना, पिज़्ज़ा बर्गर, स्पाइसी, ऑयली, ये सारा कुछ खाते हैं। तो ऐसे लोगों को ये समस्या होती है। अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो भी आपको हाइपर एसिडिटी की समस्या होती है। तो जितने भी लोग इस तरह का कुछ, अगर आपकी दिनचर्या रहती है, आपकी लाइफस्टाइल है, तो आप लोग, ये बीमारी अगर नहीं हुई है तो ये हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं है इसके लिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज ज़्यादा खाते हैं, उनको भी ये समस्या होती है। जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको भी हाइपर एसिडिटी की समस्या होती है। हाइपर एसिडिटी आपको कैसे पता चलेगा कि आपको हाइपर एसिडिटी हुई है, उसके मैं सिम्टम्स आपको बता देती हूँ। जब आपको हाइपर एसिडिटी होगा तो आपका जो पेट है उसमें जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, और वहाँ पे दर्द महसूस होता है। बहुत सारे लोगों को उनके छाती में जलन होती है और वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, ऐसा लगता है कि हार्ट में पेन हो रहा है, जबकि वो हार्ट में पेन नहीं हो रहा होता है, वो आपको एसिडिटी की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही होती है। बहुत सारे लोग इसको हार्ट बर्न के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जब आप खाना खाते हैं, लाइक चावल अगर आप खाते हैं खास करके, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी थी, जब आप चावल खाते हैं तो चावल आपको निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, खास करके राइस बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। आप राइस को निगलेंगे, आपके गले में फंसता है राइस बहुत ज़्यादा, आपको हर बार पानी पीना पड़ता है, और इमेजिन करिए आप पानी पी पी करके अगर खाना खाएंगे तो आपकी क्या हालत होगी, खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, आप कॉन्स्टिपेट कर जाएंगे, गैस बनेगी, ब्लोटिंग होगा, मतलब हर तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी उसके बाद। तो ये सारी समस्या जो है ये कॉमन समस्या है। बहुत सारे लोगों को जब एसिडिटी होती है तो उनके सर में भी दर्द होता है, सर में दर्द होता है, किसी को चक्कर आते हैं, नौजिया फील होता है, उल्टी जैसा फील होता है, किसी को, किसी का जी मिचलाता है। तो ये बहुत सारी जो है सिम्टम्स हैं जो एसिडिटी की वजह से आपको होती हैं, और इसको अगर ठीक ना किया जाए तो, अगर ये लंबे समय तक आप इसको ऐसे ही रहने देंगे तो ये आगे चल के जो है ये बहुत भयंकर रूप ले सकती है, बहुत भयंकर बीमारी में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि आपका फूड पाइप जो है टोटली डैमेज कर सकती है वो। और एक चीज़ और, जो लोग दवाइयाँ खाते हैं उनको भी ये एज अ साइड इफ़ेक्ट ये होता है, क्योंकि जब आप दवाइयाँ लेने जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर हमेशा आपको पूछता है कि आपको कहीं गैस्ट्रिक तो नहीं होती है, तो वो एक दवाई गैस्ट्रिक के लिए भी आपको पकड़ा देता है साथ में, दवाई के साथ में, क्योंकि हर दवाई जो है वो गैस्ट्रिक क्रिएट करती है, क्योंकि दे आर केमिकल।
तो केमिकल जो है वो क्रिएट करते हैं गैस पेट में, और उसके लिए फिर वो अलग दवाई दे देते हैं। तो दवाई 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 बस वही वो देते हैं, और उसका साइड इफेक्ट, चाहे वो कोई भी दवाई, चाहे आप गैस के लिए ही दवाई दे रहे हैं, उसका भी तो साइड इफेक्ट है, केमिकल ही है ना। तो चलिए आज मैं आप हम देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है, मैंने सारा लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमें चाहिए 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम हमें चाहिए इसके लिए अजवाइन, 30 ग्राम हमें चाहिए अजमोद, 30 ग्राम हमें चाहिए लाल रंग की राई, लाल रंग की आती है वो, छोटी होती है बहुत, 10 ग्राम सौंठ चाहिए, 10 ग्राम खाने वाला सोडा ले लीजिए, 10 ग्राम जवाखार ले लीजिए, 20 ग्राम काला नमक ले लीजिए, 30 ग्राम पीली हरड़ का छिलका ले लीजिए, 30 ग्राम सौंफ ले लीजिए, 30 ग्राम मुलैठी ले लीजिए, 10 ग्राम पीपला मूल, 5 ग्राम काली मिर्च, 20 ग्राम सेना लीफ, 20 ग्राम पुदीना सुखा करके। ये एक्चुअली मैंने खुद भी बना के रखा हुआ है, मेरे किचन में है, जब भी मुझे तकलीफ होती है कभी तो मैं उसको इस्तेमाल करती हूँ। वैसे अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। इन सबको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है आपको, और ड्राई रोस्ट करके उनका पाउडर बना लेना है। अब इसको खाना कैसे है वो भी मैं बता देती हूँ। जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनको ये खाना खाने से पहले खाना है। और कैसे खाना है, आपको एक ग्लास जो है वो गर्म पानी ले लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच ये पाउडर आपको मिक्स करना है, उसमें आपको गुड़ मिलाना है और नींबू निचोड़ के उसको पी जाइए। जो लोग डायबिटिक हैं वो गुड़ को स्किप कर दीजिए, सिर्फ उसमें आप क्या नाम है नींबू निचोड़ करके उसको पी सकते हैं। जो बाकी के लोग हैं वो लोग इसको खाना खाने के बाद ले सकते हैं, आधा चम्मच पानी के साथ आपको लेना है इसको। इसके अलावा जब आप लोग बहुत सारे लोगों को मैंने बताया भी कि बहुत सारे लोग ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जब उनको एसिडिटी होती है तो उनके सर में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा, किसी किसी के घुटने में दर्द होता है, क्योंकि देखिए एसिड है वो हर जगह भागेगा, आपके जहाँ भी जाके उसको स्पेस मिलेगा वहाँ पे वो रुक जाता है और वहाँ पे वो दर्द क्रिएट करता है। तो चाहे वो घुटनों में जाकर के आपको दर्द दे, चाहे आपके हार्ट में तकलीफ दे, आपको लगे कि हार्ट अटैक आने वाला है, जबकि वो हार्ट मतलब वो एक हवाई होती है जो आपको तकलीफ दे रही होती है। तो या फिर आपके सर में चढ़ करके सर को बहुत तकलीफ दे, तो इसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको चाहिए 10 ग्राम पुदीना सत्त, 10 ग्राम अजवाइन का सत्त, 10 ग्राम आपको चाहिए भीमसैनी कपूर। इन सबको मिक्स करके ये आप बाज़ार से खरीद के ले आइए, आयुर्वेदिक दुकानों पे मिल जाएगा ये एक्सट्रैक्ट जैसा होता है, उसको आप मिक्स करके उसको बनाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको मिक्स करके आपको बॉटल में भर के रख लेना है, और 2 बूंद जब भी आपको तकलीफ़ हो, जैसे घुटने में दर्द हो रहा है आपके एसिडिटी की वजह से, अगर घुटने में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आपके हार्ट में दर्द जैसा फील हो रहा है, तो 2 बूंद लेकर के उसको वहाँ पे मालिश कर लीजिए, आपको तुरंत आराम मिलेगा। और ये जो भी रेमेडी मैंने आपको बताई है ये रेमेडी आपको सिर्फ 3 दिन तक ही लेना है, 3 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो उसको 1 हफ्ते तक लीजिए, आपकी तकलीफ़ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होगी जो भी लोग इसको लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जिनको भी एसिडिटी की समस्या होती है वो कॉन्स्टिपेट लोग होते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी होती है उसी वजह से, क्योंकि खाना आपका पचता नहीं है, और जब खाना आपका पचेगा नहीं तो वो गैस क्रिएट करेगा, वो सड़ेगा अंदर, और जब सड़ता है तो सड़न में क्या होता है, गैस बनती है। आपने देखा होगा बहुत जगह गोबर गैस बन रही होती है, हम लोग अपने घर में चूल्हा जलाते हैं, लेकिन हमारा शरीर जो है वो बम बन जाता है, क्योंकि अंदर ही रहता है, हमारे शरीर से बाहर नहीं आ पाता है और हमें बहुत तकलीफ़ देता है, तो हम एक तरह से चलते फिरते एटम बम होते हैं, इतना ज़्यादा हमारे अंदर एसिड होता है। तो इस रेमेडी को आप लोग इस्तेमाल कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोग अगर ठीक होते हैं, ठीक अगर क्या ठीक होते हैं, मैं जीता जाता सबूत हूँ। और मैं एक और टिप आप लोगों को देना चाहती हूँ, डॉक्टर पंकज जी ने मुझे दिया था और मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो लोग चावल खाते हैं और आपको चावल खाने से तकलीफ़ होती है, अगर चावल खाते तो अटकता बहुत है, आपको पानी लेना पड़ता है, जैसे मुझे होता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी मुझे, मैं एक कौर भी मैं नहीं खा सकती थी बिना पानी के, ऐसी हालत थी मेरी चावल के साथ। तो पंकज जी को मैंने अपनी सिचुएशन बताया तो उन्होंने मुझे बोला कि जब आप राइस बनाती हैं तो राइस के अंदर आप 2 पीस लौंग के डाल दीजिए,
और एक तेज पत्ता डाल दीजिए, उसको डाल करके आप पकाइए। आई होप मेरा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।